वालदैन के औलाद पर और औलाद के वालदैन पर क्या हुकूक हैं? अमीर अब्बास साहब, आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा। फहीम, ये बहुत अहम मौजू है। सिर्फ वालदैन के ही हुकूक या फ़राइज़ नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम में औलाद को भी शरीयतन हुकूक व फ़राइज़ हासिल है। इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़ी मुफसल गुफ्तगू की है, मैं उसी तनाजुर में यहाँ जिक्र करूँगा। तारिक मसूद साहब कहते हैं कि औलाद की अच्छी तरबियत वालदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। औलाद के जायज़ और वाजिब हुकूक एहसन तरीके से पूरे करना सब वालदैन की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन एक अहम अमर यह है कि कभी अपनी औलाद को किसी दूसरे के सामने तनबीह न करें, उन पर अपना गुस्सा ना निकालें। वालदैन का ये बर्ताव बच्चों में बगावत के जज्बात पैदा करता है और उन्हें यह लगता है कि वालदैन हमारी इस्लाह नहीं कर रहे बल्कि अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और यही जब आप अपनी औलाद की तारीफ़ करते हैं किसी के सामने तो उनकी हौसला अफजाई होती है। यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद ने शरण वालदैन के हुकूक के हवाले से बताया कि कुरान पाक में इरशाद है कि अगर वो कोताही करते भी हैं, जुल्म व ज़्यादती करते भी हैं, तो उफ़ ना करो उनके सामने। फ़हीम, अब यहाँ ये बहुत अहम बात है मुफ्ती साहब के मुताबिक कि वालदैन को भी औलाद पर कुछ मामलात पर ज़बरदस्ती करने का हक नहीं है। तारिक मसूद साहब ने इस हवाले से एक मिसाल पेश की कि अगर आपकी चार औलादें हैं और उनमें से कोई एक बाहर किसी मुल्क जाना चाहता है पढ़ाई के लिए या तजारती सफ़र पर और बाकी बच्चे आपके पास आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में वालदैन अगर रोकते हैं तो औलाद पर लाजिम नहीं है वालदैन की अतात करना, क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है। पढ़ाई, तजारती सफ़र, पसंद की शादी ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनके हवाले से औलाद पर पाबंदियाँ लगाना जायज़ अमर नहीं है। अगर ज़बरदस्ती पाबंदियाँ लगाएंगे तो बच्चों में बगावत पैदा हो सकती है और शरण भी, ये उनके साथ ज़्यादती तसव्वुर होगा। उन्होंने वाज़े किया कि वालदैन औलाद को अपना ग़ुलाम नहीं बनाएं, क्योंकि शरीयत ने जो जायज़ हुकूक औलाद को दिए हैं वालदैन उस पर भी रुकावट डालते हैं तो ये गलत है। मगर ये भी अहम बात है कि औलाद को शरीयत ये तरगीब देती है कि वो अपने वालदैन को राज़ी करके चलें। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बबाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉक करें। घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं, पकाएं, खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर। टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेशकीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।